आपने नामांकन भर दिया है, अब आपका जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा सभी आदरणीय भोरत बादशाहों से ये अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि वो सही को चुने, विकास को चुने, सच्चाई को चुने, ईमानदारी को चुने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे आदरणीय सभी भोरन निवासी इस बार अपना मतदान करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ताकि हम एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में इस सरकार को रिपीट कर पाएँ और जो रिवाज अदला बदली का है उसको बदल पाएँ। सर, भाजपा ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया, सर कितना जीत को लेकर कितना आश्वस्त है सर? मैं सर्वप्रथम तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और आदरणीय धूमल जी का, अनुराग जी का, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री जयराम ठाकुर जी, पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की और लोगों का यहाँ रुझान है और भारत समस्त भोरंज क्षेत्र के जो निवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में होगी। सबसे पहले अनिल धीमान जी, आपको बधाई हो कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र ने आपको चुना। सर, आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी? मुझे लगता है कि आदरणीय ईश्वरदास धीमान जी जो हमारे युग पुरुष थे, हमारे मार्गदर्शक थे, उनके आदर्शों पे, उनके पदचिन्हों पे चल के विकास की राह पे चलेंगे, ईमानदारी की राह पे चलेंगे, लोगों के जो काम है वो करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हर संभव हम प्रयास करेंगे। यही मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भोरंज के आदरणीय निवासियों को कहना है। मैं आपके माध्यम से एक बार सभी आदरणीय भोरंज की जनता को दिवाली की भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।